हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि विंडो 10 से है वो स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं। वैसे आप विंडो एक्सपी या फिर विंडो 7 विंडो 8.1 से तो स्क्रीनशॉट लेना लगभग आता ही है, नहीं आता है तो मैं उसके लिए आपको एक अलग से वीडियो है वो बना दूंगा। आज हम इस वीडियो के अंदर विंडो 10 के अंदर स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे तो उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। विंडो 10 के अंदर आप आमतौर पर स्क्रीनशॉट तो ले लेते हो, लेकिन कभी कभी बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिसे स्क्रीनशॉट आपको क्रॉप करना या पर्टिकुलर एक ऐसे सिस्टम से लेना है कि हमें स्क्रीन का इतना साइज चाहिए या इस टॉपिक पे इतना ही स्क्रीनशॉट चाहिए, अदरवाइज है वो स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए, वेस्ट है। तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान और सिंपल तरीका बताने वाला हूं। तो उसके लिए बने रहे वीडियो पर। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं स्क्रीनशॉट लेना विंडो 10 से। वैसे तो आप स्क्रीनशॉट है वो प्रिंट स्क्रीन से भी ले सकते हो, जो एक की है उसको प्रेस करके, लेकिन मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूँ उससे आपको ये फ़ायदा होने वाला है कि आप उस स्क्रीनशॉट को क्रॉप करके और जैसे आप चाहते हो उस तरीके से है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेकिन जो प्रिंट स्क्रीनर से आप स्क्रीनशॉट लेते हो उसकी से, तो आपको सिर्फ और सिर्फ फुल स्क्रीन मिलता है। लेकिन आप पर्टिकुलर क्रॉप करके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो बने रहे वीडियो पर। तो देखते हैं कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, विंडो की प्रेस करना है, साथ में शिफ्ट दबाना है और उसके बाद एस दबाना है। ये तीनों की एक साथ है वो प्रेस करना है, तब आपके स्क्रीन के ऊपर एक पॉपअप विंडो ओपन होगा। उसको आप देख पा रहे हो कि उसमें तीन टाइप के स्क्रीन शॉट हैं, तो तीनों मैं वन बाई वन आपको बताने वाला हूँ। ये तो फुल स्क्रीन है, तो इसे आप है वो पूरी स्क्रीन का है वो स्क्रीन शॉट ले सकते हो। कैसे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे मान लो कि मैं YouTube पे अपना चैनल खोल रहा हूँ और मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेना है, तो मैं विंडो शिफ्ट और एस दबाऊंगा, तब ऊपर पॉपअप आ जाएगा और उसके बाद फर्स्ट वाला सेलेक्ट करूँगा। जैसे मुझे पर्टिकुलर इतने हिस्से का स्क्रीनशॉट चाहिए, सिर्फ इतने हिस्से का, तो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख रहे हो स्क्रीनशॉट है वो क्लिक हो गया है, ये देखिए। और वैसे अगर आपकी किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर इस स्क्रीनशॉट को काम में लेना चाहते हो तो यहाँ से कट करके, जैसे आप फोटोशॉप में अदर कोई भी सॉफ्टवेयर में लेना चाहते हो तो वहाँ पे जाके आपको सिंपली कंट्रोल प्लस वी दबाना है, तो वो जो स्क्रीनशॉट लिया गया है वो वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगले वाले में क्या है, आपको बहुत ही सिंपल तरीके से विंडो शिफ्ट और एस दबाना है। जैसे ही पॉपअप ऊपर ऑन होगा तब आपको दो नंबर दिखाई दे रहे हैं, इसे आप क्रॉप करके भी एकदम इजी तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे मैं आपको एक उदाहरण तौर पर बता रहा हूँ, जैसे मुझे सिर्फ ये मेरा जो लोगो है उसका स्क्रीनशॉट लेना है, तो ये देखिए यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट आ गया। तो वैसे आप और भी बहुत सारे स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हो, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने वाला हूँ। तो ऐसा आपने कभी देखा नहीं होगा स्क्रीनशॉट लेके कंप्यूटर से, तो अब ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए अगले टॉपिक पे बात करते हैं। फिर आप विंडो शिफ्ट और साथ में एस है वो प्रेस करना है, फिर पॉपअप ऑन हो गया, फिर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा विंडो, तो इस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो जहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेना है वो पूरी की पूरी विंडो की स्क्रीनशॉट दे देगा। तो ये देखिए आपके सामने पूरा का पूरा जो स्क्रीनशॉट है वो आ गया। चलिए एक बार और दिखा देता हूँ मैं। फिर से आपको क्या करना है, विंडो शिफ्ट और एस प्रेस करना है। जैसे ही फर्स्ट बार पे आप क्लिक करोगे, फिर जहाँ पे भी आप क्लिक करोगे उसका फुल स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ऐसे आप है वो अपने कंप्यूटर का फुल है पूरा का पूरा वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है तो एक लाइक तो बनता है। दोस्तों कैसा लगा वीडियो, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर करें। धन्यवाद।